गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। यूपी नीट की राउंड टू की काउंसलिंग चल रही है और आप लोग चॉइस फिलिंग के दौर से गुजर रहे होंगे, क्योंकि सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। आपको किस प्रायोरिटी में कॉलेज रखना है, इसके बारे में अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बेटा MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, MBBS प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये वीडियो केवल केवल BDS प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो यूपी में है उनके बारे में, और राउंड टू में कितनी सीट्स जो है BDS में वैकेंट होके आ रही हैं, जिससे कि आप में से वो स्टूडेंट जो MBBS की गवर्नमेंट की सीट नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट में भी वो MBBS की सीट्स नहीं पा रहे हैं, या फिर उसकी फीस को पे करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, तो फिर वो निश्चित रूप से गवर्नमेंट BDS के कॉलेज देखेंगे, और अगर उसमें भी सीट नहीं मिलती है तो प्राइवेट BDS में एडमिशन वो चाहते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में यूपी के प्राइवेट BDS कॉलेजेस की जो सीट मैट्रिक्स है कि कितनी सीट्स वैकेंट होके राउंड टू में आ रही हैं वो आपके सामने ला रहे हैं, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। आइएगा बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस KGMU लखनऊ, इसमें आप देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है बेटा यूपी में गवर्नमेंट BDS सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो है KGMU लखनऊ। उसमें भी कुछ सीटें खाली आई हैं, और वो कितनी सीट्स है बेटा, 23 सीट्स है। तो मैं एक ही मेडिकल कॉलेज है जो गवर्नमेंट है, तो इसकी भी बात यहां कर सकूं। हालांकि मुद्दा जो है इस वीडियो में मेन है प्राइवेट BDS कॉलेज। सो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो कि यूपी में सिर्फ एक है वो है KGMU, उसके डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में राउंड टू में 23 BDS की सीट्स खाली आई है। इनमें से 12 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है, 7 जो है बेटा वो OBC कैटेगरी की है, 3 SC कैटेगरी की है और 1 ST कैटेगरी की है, कोई भी CDWS कैटेगरी की नहीं है। तो 23 सीट्स जो है वो BDS इन KGMU राउंड 2 में आई है। अब आइएगा प्राइवेट का। यूपी में प्राइवेट BDS जो कॉलेज है उसमें सबसे पहले आइएगा BBD कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस लखनऊ। ये BBD जो बेटा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जो की फैजाबाद रोड पर है, वहां का डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट का है, और इसमें बेटे 15 सीट्स वैकेंट आई है, 15 अनरिजर्व ओपन में आपको BDS में मिल रही है सीट्स, करेक्ट। कैरियर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल लखनऊ, इसमें बेटा 3 सीट्स से BDS की खाली है, कितना कम सीट्स बेटे खाली आ रही है। कैरियर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल लखनऊ, ये मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसमें सिर्फ 1 सीट खाली, सिर्फ 1 BDS की सीट खाली आ रही है राउंड 2 में। इसी तरह से चंद्रा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बाराबंकी में, यहां पर 31 सीट्स आपको वैकेंट मिल रही है। DJ कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च मोदी नगर गाजियाबाद में 5 BDS की सीट्स खाली है। DJ कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस रिसर्च मोदी नगर गाजियाबाद सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी की, जो सिख माइनॉरिटी की सीट्स है वो बेटे 50 खाली है। आपको पता है अगर ये सिख माइनॉरिटी से सीटें नहीं बनी तो लास्ट राउंड में ये सारी सीट्स जो है ये ओपन कैटेगरी में आ जाएंगी, तो आपको यहां पर भी चांस है कि लास्ट राउंड में अगर सिख माइनॉरिटी से सीटें नहीं बढ़ती हैं तो ओपन कैटेगरी में आ जाएंगी, तो आपको यहां पर भी BDS में एडमिशन का चांस है, नजर रखिएगा आप इस पर। डेंटल कॉलेज आजमगढ़ प्राइवेट कोएजुकेशनल इंस्टीट्यूट 86 सीट्स आर लेफ्ट, ये देखिए यहां पर भी आपको BDS में प्राइवेट में चांस बन रहा है। इसके बाद इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल गाजियाबाद, ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसमें 11 सीट्स खाली हैं, BDS की बात हो रही है सिर्फ। इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस बरेली, इसमें बेटे 22 सीट्स खाली है। इंस्टीट्यूट डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजीज मोदी नगर गाजियाबाद, इसमें बेटा 11 BDS की सीट्स खाली है। ITS सेंटर फॉर डेंटल स्टडीज एंड रिसर्च गाजियाबाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल है, 6 सीट्स खाली है। ITS डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा प्राइवेट को एजुकेशन, इसमें भी 5 MBBS की सीट्स खाली है। ये ग्रेटर नोएडा में है बेटा, और ये जो था ये गाजियाबाद में है, करेक्ट। KD डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा, इसमें 13 बेटा BDS की सीट्स खाली है। कालका डेंटल कॉलेज मेरठ 33 BDS की सीट्स खाली है, तो यहां पर आपके लिए अच्छा चांस है। कोथीवाल डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मोरादाबाद, इसमें बेटे 17 सीट्स अभी भी BDS की खाली है। महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कानपुर, इसमें 83 सीट्स बेटा BDS की खाली है। यहां देखिए बेटा यहां पर आपका बहुत अच्छा चांस है, कानपुर में है ये कॉलेज। इसके बाद पूर्वांचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस गोरखपुर, 15 BDS की सीट्स आर स्टिल लेफ्ट इन राउंड 2। एंड रामा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कानपुर, इसमें बेटे हाउ मेनी सीट्स आर लेफ्ट, 59। तो इनमें आप देखिए अच्छी सीट्स खाली हैं। सरस्वती डेंटल कॉलेज
एंड हॉस्पिटल लखनऊ 9 सीट्स। सरस्वती पुराना भी हो गया है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस लखनऊ 6 सीट्स हैं, ये और पुराना इंस्टीट्यूट है। और ये बेटा जो SGPGI है उसके पास में लखनऊ में पड़ता है। स्कूल ऑफ डेंटल साइंस शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा 19 सीट्स है बेटा, ठीक है। श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इस 12 BDS की सीट्स खाली है। सुभारती डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेरठ ये प्राइवेट को एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसमें 13 BDS की सीट्स खाली है। तीर्थंकर महावीर यानी TMU मुरादाबाद जैन माइनॉरिटी के अंतर्गत जो है 34 सीट्स है बेटा। इनमें भी ये सीट्स अगर जैन माइनॉरिटी से नहीं भरी तो लास्ट राउंड में बेटा ये ओपन कैटेगरी में आ जाती है, तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं। तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मुरादाबाद ये नॉन माइनॉरिटी वाली सीट्स है, ये 5 है। और इस तरह से टोटल बेटे आपको BDS की इतनी सीट्स मिलती हैं। आप इनका टोटल करके देख लीजिए, व्हाट इज द टोटल ऑफ द वैकेंट सीट इन BDS इन प्राइवेट। गवर्नमेंट की जहां तक बात है बेटा, KGMU BDS में सिर्फ 23 सीट्स खाली थी, तो आपको अगर प्राइवेट में चाहिए तो आप इन सीटों की वैकेंट होने के अनुसार अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और आप ये भी देखें कि आपके घर के नजदीक कौन सा कॉलेज है। बेटा इस वीडियो में यही बात करनी थी, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड कट ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है, उसके बारे में वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।